खाद्य सुरक्षा अधिकारी के आने से मचा हड़कंप, बाजार हुआ बंद। गुना जिले के चाचौड़ा बीनागंज में खाद्य सामग्री का नमूना लेने पहुंची खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम को देखते ही बाजार में हड़कंप मच गया। किराना व्यापारी व मिठाई की दुकान चलाने वाले टीम को देख दुकानों का ताला लगा भाग गए। बताते चले, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती किरण सेंगर को काफी समय से चाचौड़ा बीनागंज में मिलावटी खाद्य सामग्री के बिकने की सूचना मिल रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए आज अचानक उन्होंने छापेमारी कर चाचौड़ा के पालीवाल मिष्ठान भंडार पर मावे का सैंपल लिया। वहीं बीनागंज में कान्हा किराना एजेंसी से डिब्बा बंद नोवा घी को जाँच के लिए भेजा। कुछ दुकानदारों ने इस कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी छोटे व्यापारियों के नमूने लेती है, बड़े दुकानदारों के यहाँ कभी नमूने नहीं लिए जाते। वहीं बाजार में ये चर्चा भी रही कि नगर में खुले आम आधा पानी आधा दूध 40 रुपए किलो बिक रहा है। सांची दूध की थैलियों में भी पानी की मिलावट कर प्रिंट रेट से ज्यादा में बेची जा रही है। पिछले एक दशक से कोई अधिकारी दूध के सैंपल लेने यहाँ नहीं आया। गुना चाचौड़ा बीनागंज से आर के शर्मा की खास। अच्छा सर, आज ये प्लाइंग आई थी पांच विभाग की सैंपलिंग की, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ। हाँ, तो ये प्लाइंग आई थी जो सैंपलिंग के लिए, काई काई का सैंपलिंग लेके गई आपका? हमने जो हमको तो मालूम नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, दुकान बंद कर दी थी हमने, पहले बुखार आ रहा था। हेलो कंडेलवार। हाँ सर, आज सैंपलिंग वाले आए थे, काई का सैंपल ले गए आपका? नोवा घी का। अच्छा, नोवा घी मतलब? नोवा घी डिब्बा। डिब्बा, अच्छा, तो कितने किलो का पैकिंग? दो दो सौ ग्राम वाले चार। 200 ग्राम वाले चार? हाँ। अच्छा, और क्या चेक किया? बस सब चेक किया गया। चेक तो लेबोरेटरी में होता है, या तो सैंपल ले गए बस वो। अच्छा, एक ही चीज़ का सैंपल लिया? हाँ, बस नोवा घी का। नोवा घी का। किस नाम से अपनी दुकान? कान्हा एजेंसी बीनागंज। अच्छा, धन्यवाद। मेरा नाम मधुर कुमार जी है। दुकान का नाम? मधुर किराना स्टोरी। आज ये खाद्य विभाग की टीम आई थी सैंपलिंग की, क्या सैंपल लिया आपका? कोई सैंपल नहीं लिया। अच्छा, कारण? कारण क्या, सभी लोगों ने दुकान बंद की, हमने कर दी बंद। आपका? रोहित जैन। अच्छा, दुकान का नाम? रोहित किराना। अच्छा, आज ये सैंपलिंग आई की टीम आई थी खाद्य विभाग की, क्या सैंपल लिया आपका? कुछ नहीं लिया, मैंने दुकान बंद कर दी। दुकान बंद कर दी? क्यों, क्या कर रहे हैं? पूरा बाजार बंद हो गया। पूरा बाजार बंद हो गया था, इसलिए आपने भी दुकान बंद कर दी। हाँ। अच्छा, अब उनके जाने के बाद दुकान खोल ली? हाँ। धन्यवाद। दुकान का नाम महाकाल किराना। अच्छा, ये आज सैंपलिंग की टीम आई थी खाद्य विभाग की। हाँ। आपका क्या सैंपलिंग लिया गया? सैंपलिंग नहीं गया अपना, दुकान बाजार बंद हो गया था, तो बाजार अपन ने बंद कर लिया दुकान है बाजार के हिसाब से। अच्छा, का नाम? दिनेश खंडेलवाल। दुकान का नाम? राकेश कुमार, दिनेश कुमार। अच्छा, आज ये खाद्य विभाग की टीम आई थी। हाँ। तो आपका सैंपलिंग काय का लिया? नहीं, हमने दुकान बंद कर दी थी। अच्छा दादा, आपका क्या नाम है? निरंजन सिंह। अच्छा, हाँ दादा, यहाँ दूध की क्या सर, दूध के बारे में सुनने में आया, कैसी क्या समस्या है दूध की? दूध मिलावट का रहे हैं। अच्छा। हाँ। कैसी मिलावट? पतला आ रहे हैं। अच्छा, पानी मिल में आ रहा? हाँ। आधा दूध आधा पानी कहने? हाँ। का मतलब आपका ये? हाँ। अच्छा, और जो ये डेयरियों पे मिलता है ये पैकिंग का थैलियों का, वो भी नकली आ रहा है और 21 रुपए हम दे रहे हैं। मतलब रेट से ज़्यादा दे रहे हैं? हाँ। कितने रुपए ज़्यादा लेते हैं रेट से? एक रुपए ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, आप कहते नहीं हो इसमें प्रिंट रेट पे उन पे दो? अब देते हैं, वो लेते भी है, क्या करें फिर। अच्छा, कहते इतने में ही आगा? हाँ। अच्छा, जोर से बोलिए। मंगल। कौन से गाँव? अच्छा, क्या समस्या है दादा? दादा हेलो, की ये समस्या है, पानी डाल के दे। हाँ। और ये रेट से भी जा देते हैं यहाँ पर। अच्छा, दूध में पड़ता है। और क्या समस्या? और ये बीमारी चल रही कोरोना की, इसलिए दूध भी पड़ जाते हैं, हम गांव ले जाते हैं तो बेकार कर दूंगे। आज दूध पड़ जाता? हाँ, दूध पड़ जाता है। ये सिटी से दूध ले जाते हैं, आपको फट जाता अगर जाए दबाते दबाते। हाँ। अच्छा, धन्यवाद दादा। हाँ दादा, आपका नाम क्या? रघुवीर सिंह। आपका क्या समस्या दादा आपकी? दूध की समस्या है, अभी तो दूध नहीं है, थैली का दूध ले जाते हैं,
और घर ले जाकर पहुँचते हैं चपाती तो फट जाता है। अच्छा फट जाता है। हाँ आप शिकायत नहीं करते हैं इसकी डेयरी वालों से? शिकायत करते हो डेयरी वालों से आगे? अभी शिकायत नहीं कर लिया। अच्छा तो दुकान का नाम महाकाल किराना। अच्छा ये जो आज सैंपलिंग की टीम आई थी तो उस टाइम आपका सैंपलिंग वगैरह भरा? कुछ नहीं भरा मेरा। नहीं भरा? अच्छा तो हाँ नमस्कार। तो उस टाइम दुकान चालू थी या बंद थी? मैं तो बाहर मैं क्या सामान लेने चला गया था, भैया वगैरह बैठे थे, उन्होंने शायद बंद कर दी थी। अच्छा बंद हो चुकी थी मतलब मैं आया जब तक। अच्छा धन्यवाद। कोई कुछ नहीं बेचे? नहीं चार दुकान क्यों है? चार दुकान कहाँ है? आपकी निगाह में ये चार दुकान है? पूरे बीनागंज में चार दुकान बड़ी है। कुछ भी सामान लेके आया ये व्यक्ति? हाँ ठीक है। और इसमें खुद ही इसमें मिक्स करके कुछ बेच रहा है ये, गलती इसकी नहीं है क्या? हाँ आपने कैसे कह दिया कि ये व्यापारी गलती नहीं करेगा, ये मिक्स नहीं करेगा, ये मिलावट नहीं करेगा? हमें तो ये चेक करना पड़ेगा ना, निगरानी तो इन पर भी रखनी पड़ेगी ना। नहीं तो आपका नहीं, आपका सही है लेकिन आपको जैसे बीनागंज में आए आप तो आप आए आपने चार दुकानें सील्ड की और बाकी दुकानें बंद कर करके भाग गए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम अगली बार आते हैं। कार्रवाई कर।